बावलो, क्या लगता है सनफायर मर गया है या नहीं? क्योंकि बावो मेकर्स ने क्लियरली दो बार मेंशन कर दिया है शो में कि सनफायर मारा जा चुका है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, सनफायर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है इस स्टोरी में कि इसके बिना हाउस ऑफ द ड्रैगन पूरा नहीं हो सकता। मतलब सनफायर इस स्टोरी के लिए एक पिलर का काम करता है। अगर ये नहीं तो पूरी स्टोरी आर्क ही चेंज हो जाएगा। और सीजन 2 में रियान कॉन्डल ने पहले ही इतने चेंजेस कर दिए हैं जिससे आरआर मार्टिन के साथ साथ गेम ऑफ थ्रोन्स डाई हार्ड फैन से भी ये कई बार गाली खा चुका है। चलो बात करते हैं सनफायर का रोल इन स्टोरी एंड वाकई में क्या ये मर गया है या नहीं, या फिर मेकर्स की ट्रिक है ये एक अचानक से सबको सरप्राइज देने के लिए। क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में खुद जॉफरी बराथियन ने ये मेंशन किया है कि रेनीरा को उसके भाई का ड्रैगन भरी सभा में मार के खा जाता है, तो मेकर शायद इस स्टेटमेंट को बदलने की गुस्ताखी ना ही करें शायद। चलो बुक के अकॉर्डिंग सनफायर को देखते हैं। बाबा स्पॉइलर अलर्ट, जिसे रुकना है वो यहीं रुक सकता है क्योंकि इससे आगे आपका शो में मजा खराब हो सकता है। बाबा सनफायर, जैसा कि हमने देखा रूकसेस्ट की बैटल में रेनीज के ड्रैगन मेलिस से लड़ते वक्त काफी घायल हो जाता है। इसी बीच इस बैटल को एमन टारगेरियन वेगार के साथ ज्वाइन कर लेता है और वेगार ना आओ देखता है ना ताओ वो सनफायर सहित मेलिस दोनों के ऊपर आग उगल देता है, जबकि मेलिस काफी फास्ट ड्रैगन होने की वजह से बच जाती है। लेकिन सनफायर बुरी तरीके से झुलस कर नीचे गिर जाता है, बुरी तरीके से। और यहां शो में मेकर सनफायर को डेड डिक्लेयर कर रहे हैं दो बार। दूसरी बार लास्ट 8th एपिसोड में जब एगन 2 टारगेरियन लॉर्ड लैरिस के साथ भाग रहा होता है किंग्स लैंडिंग से, तो खुद डिक्लेयर करता है कि सनफायर इज डेड, मेरा क्या ही वजूद है अब। लेकिन यहां बात बुक की माने तो सनफायर रूकरेस्ट की बैटल के बाद मरता नहीं है, सेम बैटल होती है जिसमें सनफायर नीचे गिरता है और उसे वहीं छोड़ दिया जाता है हील होने के लिए, रिकवर होने के लिए। जो पहले तो रूकरेस्ट की बैटल में मरे हुए मुर्दों को खाता है, उसके बाद उसे भैंस बकरी वगैरह खिलाया जाता है, मतलब कुछ भी खिलाया जाता है। और रूकरेस्ट में ही अच्छा रेस्ट लेकर सनफायर खुद को अच्छे से हील कर लेता है, जिसका एक पंख बुरी तरीके से जो खराब हो चुका था उस बैटल के बाद, जो हमने शो में भी देखा था। खैर बुक में भी सनफायर का जिंदा रहने की खबर को छुपाया ही जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब रूकरेस्ट में दोबारा से ब्लैक आर्मी कब्जा कर लेती है ग्रीन्स को हरा कर, तो यहाँ रूकरेस्ट के लॉर्ड सनफायर को मारने के लिए अटेम्प्ट करते हैं और करीबन 60 कुशल योद्धाओं को लेकर जाते हैं। लेकिन सनफायर यहाँ तक काफ़ी हील हो चुका था, काफ़ी तंदुरुस्त हो चुका था, जिसने तुरंत ही एक्ट किया और अपनी पूंछ से पहले उन्हें मारा, देन आग से तुरंत उन 60 के 60 योद्धाओं को जलाकर खाक कर दिया। उसके बाद वो गिरते पड़ते उठते ड्रैगन स्टोन के पास चला जाता है। बुक के अकॉर्डिंग एगन 2 बाद में ड्रैगन स्टोन के पास किसी छोटे मछुआरे वाले गांव में रहने लग जाता है। लेकिन तभी ड्रैगन स्टोन पर एक दिन देखा जाता है लोकल लोगों के द्वारा कि हवा में दो ड्रैगन बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, जिसमें से एक सनफायर था। लेकिन लोग कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था सनफायर मर चुका है, और वो ये जान रहे थे कि यहां पर वाइल्ड ड्रैगन जो है ग्रे घोस्ट कैनिबल ये फ्री रोम करते रहते, यहाँ वहाँ भटकते रहते, तो हो सकता है ये दोनों आपस में लड़ रहे हों, क्योंकि कैनिबल बहुत ही अग्रेसिव ड्रैगन था और पहले भी वो बहुत से ड्रैगन को मार चुका है। और कुछ टाइम बाद ग्रे घोस्ट को मरा हुआ पाते हैं लोग, लेकिन माना जाता है कि सनफायर ने ही ग्रे घोस्ट को मारा था और वहाँ जो ऊपर लड़ाई हो रही थी वो इन दोनों के बीच में हो रही थी। उसके बाद एगन 2 और सनफायर का रियूनियन होता है। कहा जाता है कि एगन 2 और सनफायर का बहुत सॉलिड बॉन्ड था, और उस दौरान जब एगन 2 दिल से सनफायर को याद करता होता है तब सनफायर ड्रैगन स्टोन एगन 2 को ढूंढते ढूंढते आता है, क्योंकि अभी भी घायल होने के कारण वो अच्छे से उड़ नहीं सकता है और पहले से काफी स्लो हो चुका था कौन सनफायर। देन उसके कुछ टाइम बाद एगन 2 ने ड्रैगन स्टोन पर हमला किया और तख्ता पलट कर दिया। कहा यह भी जाता है कि इस मोमेंट के बाद रनीरा डर के ड्रैगन पिट पर जाकर छुप गई थी। देन कुछ दिन ढूंढने के बाद रनीरा को भरे दरबार में लाया जाता है सबके सामने, यानी एगन 2 के सामने भी, और यहाँ रनीरा की होती है मौत। लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर भी, क्योंकि कुछ का कहना है कि रनीरा की मौत इसलिए हुई जब उसने एगन 2 के अपाहिज ड्रैगन को देखा और उसकी खिल्ली उड़ाई तो वो अग्रेसिव हो गया। कुछ कहते हैं कि रनीरा को जब गिरफ्त में पकड़ा गया था तब उसे गलती से चाकू लग गया था, जिस वजह से खून निकल गया था और सनफायर तुरंत खून की बूंद से आकर्षित हो गया और उसने रनीरा को चबा डाला। लेकिन माना यह जाता है कि रनीरा को एगन 2 ने अपने ड्रैगन के सामने फेंकवा दिया था, जिससे सनफायर ने पहले अच्छे से उसे जलाया भूना, देन टुकड़े टुकड़े करके चाव से खाया है। और ये सारा नजारा रनीरा के बेटे एगन 3 के सामने चल रहा था। उसके बाद बेला टारगेरियन का ड्रैगन मून डांसर सनफायर पर अटैक कर देता है इस मोमेंट के बाद, और सनफायर साइज का एडवांटेज लेकर मून डांसर को भी मार देता है, क्योंकि मून डांसर उससे छोटा था साइज में लेकिन फुर्तीला था। और इस बैटल के बाद कहते हैं सनफायर दोबारा कभी नहीं उड़ पाया, क्योंकि पंख बुरी तरीके से डैमेज हो चुके थे सनफायर के। और कहते हैं कि वही पड़े पड़े जहां सनफायर और मून डांसर दोनों गिरते हैं, उसने पहले मून डांसर को बहुत अच्छी तरीके से खाया और अपने घाव से सड़ के कुछ दिन बाद मर गया था। तो बाबा ये थी कहानी बुक के अकॉर्डिंग, जो शो में मेकर्स इस इंपॉर्टेंट पार्ट को स्किप करना चाह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो शायद
मेकर्स इस बात को छुपा भी रहे हों, क्योंकि शुरू में एगोन 2 को भी ये बात नहीं पता थी कि ड्रैगन जिंदा है या नहीं, क्योंकि रूखरेस्ट की बैटल के बाद बुरी तरीके से जल चुका था, डैमेज हो चुका था अपना एगोन 2 टारगेरियन। तो हो सकता है कि मेकर्स हमसे भी ये बात छुपा रहे हों, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट स्किप करना भाई ये सेंस नहीं बना रहा है। खैर देखते हैं बाबा सीजन 3 में क्या वाकई में मेकर्स ने सनफायर को जिंदा रखा है या मार ही दिया है। लेकिन बाबा सही बताऊं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि सनफायर एक्चुअली मर चुका है। आपको क्या लगता है? बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है। क्या लगता है कि सनफायर मर चुका है या नहीं मर चुका है, जरूर बताना बाबा नीचे कमेंट बॉक्स पर। जो मेरे मन में था मैंने आपके सामने उगल दिया है। वीडियो कैसी लगी है नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बना सकते हैं वो भी जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।